क्या हालचाल है عليكم जनाब कैसे हो आप सभी होप सो गैस आप सभी सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे सो ठंड काफी है सो आई होप सो वी होप सो कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे सो अपने अपना हाल हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर सो ये यजूज मजूज का वाक्य हम लेके आए हैं कि हजरत तुलकरन स्पेस ट्रैवल प्लेनेट ऑफ यजूज मजूज उनका जो प्लेनेट है राज्य है उसके बारे में हम वीडियो 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 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है लेटेस्ट एक ऐसी खौफनाक और वह जिनका खरूज नस्ल इंसानी की तबाही साबित होगी इस कौम की औरतें जो हजार बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हैं इनकी तादाद इतनी ज्यादा है की एक इंसान के नस्बत सैकड़ों में मौजूद है लेकिन ये कौम कहाँ कैद है क्या उन्हें किसी दूसरे स्यारे पर कैद किया गया है क्या हजरत जुलकरनैन का सफ़र एक खिलाई सफर था हम आज इस वीडियो में याजूज माजूज के कुरानी वाक़े को जदीद साइंस और फलकियत की रोशनी में पेश करेंगे ुलकरनैन अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे जिन्हें दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की गई थी कुरान मजीद में लकर्नैन के तीन सफरों का हाल बयान हुआ है ये सफ़र इंतहाई अजीब और इबरत खेज है आपका पहला सफ़र मगरब के जानब था जिसका मकसद आब हयात को तलाश करना था लेकिन आप इसमें नाकाम रहे आपने दूसरा सफ़र मशरक़ की तरफ किया जहाँ सूरज तुलू हो रहा था जहाँ आपने एक खाना बदोश और गैर महजब कौम की मदद की तीसरा और सबसे अजीब गरीब सफ़र शुमाल की जानब था इस सफ़र के दौरान आप एक मकाम पर पहुँचे जिसका नाम सद्दैन यानी दो पहाड़ों के दरमियान की जगह थी यहाँ एक कौम आबाद थी जो ऐसी जबान बोलती थी जो समझ से बालतर थी उन लोगों के साथ आपने इशारों में बात किया यहाँ के लोगों ने हजरत जुलकरनैन से शिकायत की कि पहाड़ के उस जानब एक कौम आबाद है जिसका नाम याजूज व माजूज है ये लोग खूब फसाद मचाते और हम पर जुल्म करते हैं लिहाजा आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी मदद फरमाएं। मवरख़ीन ने लिखा कि याजूज माजूज हज़रत नूह नूसम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है ये लोग सख्त जंगजू और वैशी लोग हैं ये जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और गारों में रहा करते हैं और बाहर के मौसम में निकल कर खेतियाँ और सब्ज़ियाँ खा जाते हैं ये लोग इस क़दर जंगली हैं कि आदमियों जंगली जानवरों सांप बिच्छू गिरगिट और हर तरह के हवानात को खा जाते हैं लिहाजा हजरत जुलकरनैन से उन लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाएं इसके बदले हम आपको कुछ माल दे देंगे इस पर हजरत जुलकरनैन ने फरमाया मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है बस तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इन दो पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना सकूँ लिहाजा आपने वहाँ ज़मीन खुदवाई और पिघले हुए तांबे जमा कर उस पर लोहे के तख्ते बना दिए उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा कर खूब आग भड़काई इस तरह यह दीवार पहाड़ के बुलंदी तक ऊंची कर दी गई यह दीवार नहायत ही मजबूत और मस्तकम था अब याजूज माजूज दीवार के उस पार कैद हो चुके थे और उनका इंसानी आबादी की तरफ आना तकरीबन नामुमकिन था लोगों ने हज़रत का शुक्र अदा किया तो उन्होंने फरमाया वक्ती तौर पर तो यह दीवार याजूज माजूज से तुम लोगों को महफूज रखेगी लेकिन हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है लिहाजा ये दीवार भी एक दिन तोड़ दी जाएगी और याजूज माजूज निकल आएंगे हदीस के मुताबिक याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते उसे तोड़ने के दूसरे दिन जब वो उसे तोड़ने आते हैं तो अल्लाह की कुदरत से ये दीवार फिर से मजबूत हो जाती है और अपनी असली हालत में लौट आती है लेकिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आ जाएगा तो उनमें से एक कहने वाला कहेगा चलो अब इस दीवार को इनशा कल तोड़ेंगे उन लोगों के इनशा कहने की बरकत से दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी ये वक्त क़्यामत के करीब का होगा दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना व फसाद मचाएंगे चश्मों और तालाबों का पानी पी जाएंगे जानवरों और दरख्तों को खा लेंगे और ज़मीन के हर बुलंदी और वादियों में दौड़ते फिरेंगे याजूज माजूज कौन हैं और वो दीवार आज कहाँ मौजूद है इसके मुतालिक हर ज़माने में उल्मा व मुहक्ककीन के अलग अलग राय और तावीलात मौजूद हैं और इसमें इख्तलाफ कसीर है पहला नज़रिया ये है कि तातार और मंगोल याजूज माजूज थे जो 11वीं सदी में इस्लामी ममालिक पर हमला हुए और खूब तबाही मचाई दूसरी राय यह है कि यूरोपीय और अमरीकी अकवाम ही याजूज माजूज हैं क्योंकि ईसाई लिटरेचर में भी उन्हें गोग एंड मैगो की नस्ल से जोड़ा गया है जिन्होंने 18वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा किया और ख़ूब लूट मार की तीसरा नज़रिया ये है कि तुर्क कौम ही याजूज माजूज की औलाद हैं जिन्होंने अहद वस्ता में पूरे वस्त एशिया पर अपनी हुकूमतें कायम की लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो अजीम और बुलंद दीवार कहाँ है जो हजरत जुलकरनैन ने याजूज माजूज से हिफाजत के लिए बनाई थी लिहाज़ा मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाने वाले तारीखी दीवारों और दर्रों को याजूज माजूज के उस दीवार से जोड़ा जाता रहा है जिनमें दीवार चीन दीवार कफकाज़ जर्मनी का दीवार बर्लन और रूस का दर्र दारियाल शामिल है लेकिन ये तमाम दीवार इतने मज़बूत नहीं हैं कि उन्हें तोड़ा ना जा सके और ना ही ये लोहे और तांबे पिलाए दीवार हैं लिहाजा ये तमाम तावीत भी फास्त करार पाते हैं और यह दीवार जुलकरन के साख्त बनावट पर इतलाक नहीं तो की जा सकती। जदीद इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ते थे जैसा कि रिवायतों में आता है कि एक दफा हजरत अली ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि ओ जुल्कर जिस पर आपने उसे गुस्से में फरमाया पैगंबरों के नाम पर अपने नाम रखना तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं जो अब एक दूसरे को फ़रिश्तों के नामों से पुकार रहे हो इस रिवायत से ये साफ़ होता है कि हज़रत जुलकरनैन अलेक्ज़ेंडर ग्रेट या साइरस नहीं जैसा कि कुछ लोग उसे इन दुनियावी बादशाहों से जोड़ते हैं बल्कि वो एक फ़रिश्ते थे जो एक मखसूस काम के लिए मुकर किए गए थे सुरय कहफ़ की आयतों में लिखा है कि बेशक हमने उसे यानी जुलकरनैन को ज़मीन पर हुक्मरानी दी थी और हमने उसे हर चीज़ समझने के लिए एक रास्ता दिया तो वो एक रास्ते पर रवाना हुआ इन आयत में लफ्ज़ सबबा को मुहकिन ने आसमान पर जाने का रास्ता करार दिया है जिस रास्ते पर चलकर जुल्कर्नैन आसमानों पर गए थे हज़रत एक ऐसी मकाम पर पहुंचे थे जहाँ सूरज काले पानी में डूब रहा था जबकि आज हम जानते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता बल्कि वो भी ज़मीन की तरह अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है ऐने मुमकिन है कि हज़रत जुलकरनैन उस रास्ते पर चलते हुए ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां सूरज गरूब हो रहा था जहां सूरज एक काले पानी में डूब रहा था महक्की ने उस काले पानी को ब्लैक होल करार दिया है क्योंकि 1400 साल कबल लोग ब्लैक होल से नावाफ थे इसलिए इसके लिए काले पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ okay. हजरत हज़रतुल्कर्न के तीसरे सफ़र के मुतालिक ये जिक्र हुआ है कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुँचे थे जहाँ दो सद यानी रुकावट के बीच एक कौम आबाद थे अब उन दो सद के माने कदीम मरखीन ने पहाड़ लिखा है लेकिन जदीद ताबीर में उसे पहाड़ नहीं बल्कि नेब्यूला करार दिया जाता है क्योंकि फल्कियात में सद के माने किसी गैलेक्सी के गैस और गर्द गुब्बार का ख़त होता है यानी तीसरे सफ़र में हजरत लकर्नैन एक नेब्यूला के दहाने पर पहुंच गए एन मुमकिन है कि वहां आबाद लोग कोई इंसानी मखलूक नहीं बल्कि ख़िलाई मखलूक यानी एलियंस हों जिन्होंने हजरत लकर्न से ये दरख्वास्त की कि वो एक बैरियर बना दें ताकि वो याजूज माजूज से महफूज़ हो जाएं जिसकी दलील ये है कि इस आयत में लफ्ज़ अर्ज जिक्र हुआ है जिसके माने सिर्फ़ ज़मीन नहीं बल्कि कायनत में मौजूद मुख्तल्स स्यारे भी होते हैं कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकाम पर सात आसमानों और ज़मीनों का जिक्र हुआ है लिहाजा यहाँ अर्ज से मुराद हमारी ज़मीन नहीं बल्कि इस कायनात की दूसरी ज़मीन है जहाँ इंसान नहीं बल्कि खिलाई मखलूक आबाद है अल्लाह ने हज़रत ज़ुलकरनैन पर खास ख़ासम करम फ़रमाया था और उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी के गैर मौजूदगी के बावजूद उन्होंने ऐसा सद यानी बैरियर बना दिया जो एटमॉस्फेरिक गैस पर मुश्तमिल था और यह लोहे और तांबे के पिघलने की वजह से वजूद में आया था इस बैरियर ने उस स्यारे के गर्द एक दीवार बना दी जिस पर याजूज माजूज आबाद थे और इस तरह वो उस स्यारे में कैद हो गए यह कोई नया नज़रिया नहीं जो सिर्फ़ आज के जदीद साइंसी इल्म के मुताबिक बनाया गया है बल्कि इससे मिलता जुलता नज़रिया सहबा इक्राम का भी था मसलन हज़रत काब बिन अहबार ने यह दावा किया था कि ुलर्नैन ने अपना घोड़ा एक सितारा से बांधा था जिस पर हज़रत माविया ने उन्हें ऐसी बात करने से मना फरमाया था क्योंकि अभी लोग ऐसी बातों को समझने के काबिल नहीं हुए थे इसी तरह हजरत अली ने फरमाया था कि अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया कि वह ुलर्नैन को जहाँ चाहे वहाँ ले जाएँ कसर ये कि जोलकर्नैन का यह सफ़र न सिर्फ एक ख़िलाई सफ़र यानि स्पेस ट्रैवल था बल्कि यह वक्त में भी एक सफ़र था आज साइंस का यही नज़रिया है कि इस तरह के पोर्टल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम न सिर्फ ख़िला के दूसरे हिस्से में सफ़र कर सकते हैं बल्कि वक्त में भी सफ़र मुमकिन है ये अने मुमकिन है कि याजूज माजूज एलियंस हो जो किसी और प्लैनेट्स या डायमेंशन में कैद हो क्योंकि हमारी ये दुनिया जिसकी आबादी आज अरबों तक पहुंच चुकी है ऐसे में याजूज माजूज की इतनी बड़ी तादाद जो झीलों में मौजूद पानी तक को ख़त्म कर देंगी उनका इस दुनिया में मौजूद होना मुमकिन नहीं है नज़ ये कि आज दुनिया के हर इलाके बर अज़म और जजीरों की दरियाफ्त हो चुकी है और अब दुनिया का कोई गोशा बाकी नहीं जहाँ तक इन इंसानों की रसाई नहीं फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी बुलंद दीवार और उसमें कैद कौम को दरियाफ्त नहीं की जा सकी सो so गाइज ये थी वीडियो ये जो मुझे का वाक्य और हजरत जुलकर नैन का वाक्य सो so, वो एक फरिश्ते थे है ना जिनको सिर्फ इसी काम के लिए भेजा गया था उस टाइम पे जब बहुत सारा अत्याचार करते थे ये जो और मजबूरी लोगों पे है ना सो so, उनसे कहा गया था कि प्लीज आप इनको जो है हम हमारे ऊपर ये बहुत ज्यादा अत्याचार करते तो हमें इनसे बचाओ so, उन्होंने सिर्फ एक दीवार वहां पे खड़ी की थी उन्होंने ये भी कहा था कि ये कुछ टाइम के लिए दीवार खड़ी रहेगी okay. लेकिन कोई ना कोई चीज खत्म होती है हर किसी चीज खत्म होगी होगी ये तो वो दीवार अभी धीरे धीरे तोड़ते है लेकिन जैसे ही वो इनशाला वर्ड यूज करेंगे वैसे ही दूसरी दिन वो दीवार टूट जाएगी वो आ जाएंगे यार सारा पानी खत्म कर देंगे वो एक जिनसे उनका सिर्फ एक जमा जब निकलेगी दुनिया का पानी खत्म करें तो कितनी ज्यादा में वो लोग आएंगे सोचो ये सब है ना so, भी सो अत्याचार जो मतलब हम लोग करते हैं क्या बोलते हैं अत्याचार जो हम करते हैं। तो बुरे काम जो है ना बढ़े ताकि चीजें ना हो है ना हाँ। बढ़े हाँ। हम जो चीजें गलत करते है वो ना, ना करे बाकी वाक्य और